नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेन के एक नए अपडेट के बारे में। रेलवे आए दिन अपने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव करता रहा है, जिससे कि यात्रियों को ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव रेलवे के द्वारा हमने देखा है, जिसमें हमने कोरोना काल के बाद कई तरह के बदलाव देखे। ऐसे में अब रेलवे ने एक बार फिर से एक नया अपडेट साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि यह बताया गया है कि रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई है। बताया तो यह भी जा रहा है कि यह रेस्टोरेंट भारतीय रेलवे के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधीन आने वाले कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। बताया जा रहा है कि कटिहार रेलवे स्टेशन पर खोला गया यह रेस्टोरेंट पूरी तरीके से एयर कंडीशन होगा। आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के डिब्बों में रेल कोच रेस्टोरेंट का ऑन व्हीकल प्रयास जो है वो चलता रहा, और कई जगह पे जो है इस तरह के रेस्टोरेंट की शुरुआत पहले की गई थी, लेकिन वह जो है नन एसी हुआ करता था। और कटिहार रेलवे स्टेशन पे जो खोला गया है वह जो है पूरी तरीके से एसी है, वातानुकूलित है। रेलवे द्वारा मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि कटिहार रेलवे स्टेशन पर खोला गया यह एसी रेल कोच रेस्टोरेंट पूरे 24 घंटे सुविधा मुहैया कराएगा। बता दें कि यात्रियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी खाने के साथ साथ उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय व्यंजनों का भी पूरा आनंद उठा सकते हैं। इस रेस्टोरेंट को लेकर बोलते हुए कटिहार के डीआरएम के अनुसार यह भी बताया गया है कि इस एसी कोच रेस्टोरेंट में यात्रियों को बेहद किफायती दामों पर भोजन मुहैया कराया जाता है। इस रेस्टोरेंट में मिलने वाली वेज थाली की कीमत मात्र 50 रुपये रखी गई है। इन सब के बीच में यह भी बताया गया कि कटिहार रेलवे स्टेशन पर खोले गए इस रेस्टोरेंट को बहुत ही जल्द IRCTC और जोमैटो और स्विगी जैसे खाने की लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जिससे कि लोग अपने घर बैठे बैठे इस रेस्टोरेंट में भोजन का आनंद उठा सकते हैं। बिहार में कटिहार के पहले मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर भी इस तरह के रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने पिछले साल 7 अगस्त को इटारसी रेलवे स्टेशन में रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी। इसी रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि यहां पर रेल यात्री के अलावा भी स्थानीय लोग आकर खाना खा सकते हैं, साथ ही साथ रेस्टोरेंट में लजीज खाने का भी आनंद उठा सकते हैं। आपको बता दें कि रेलवे आने वाले दिनों में कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवा रहा है, जिससे कि यात्रियों को यात्रा के दौरान ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। रेलवे के अब तक के तमाम बदलावों को अगर आप देखें तो वो यात्रियों को ध्यान में रखकर किया जाता रहा है। इन दिनों रेलवे जो एक बड़ा बदलाव कर रहा है वो ट्रेनों की रफ्तार को लेकर। आपको बता दें कि रेलवे जो है पटरियों में बदलाव कर रहा है ताकि ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई जा सके, तेज़ गति से जो है ट्रेनों को चलाया जा सके, ताकि यात्री जो है कम समय में अपने गंतव्य तक पहुँच सके और उन्हें जो है एक लंबा समय जो है यात्रा के दौरान ना गुजारना पड़े और अपना दूसरा काम जो है वो अपने गंतव्य तक पहुँच कर सके। ये थे रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।